इस सोच का कतई समर्थन नहीं करता जो सोच जातीयता को बढ़ावा देती है। इन असामाजिक तत्वों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। इस अशोभनीय, इस निंदनीय घटना में लिप्त है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। नवादा हिंसा के बाद पहली बार चिराग पासवान का बयान सामने आया है। पहली बार चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा है। मैं आपको बता दूं कि नवादा हिंसा के बाद से उस पूरे मामले को जातीय रंग देने का प्रयास चल रहा था। ऐसे में जीतन राम मांझी का भी एक बयान जो था वो आग में घी डालने के जैसा था, जिसमें जीतन राम मांझी ने इस पूरे हिंसा को लेकर यादव समाज के लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे। जीतन राम मांझी ने बयान दिया था और कहा था कि यादव समाज के और राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्पात मचाते हैं। तो वैसे में जीतन राम मांझी के ऊपर जातीयता फैलाने का आरोप लगा। इन्हीं सभी सवालों के बीच चिराग पासवान से जब पूछा गया कि बिहार के अंदर जो नवादा में घटना घटित हुई है उसको जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जो कोई भी इस पर इसे जातीयता रंग से रंगने का प्रयास कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। किसी भी अपराधी का या फिर किसी भी असामाजिक व्यक्ति का कोई भी जाति नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि पूरा नवादा का जो मामला है वो इस वक्त गर्म है। तकरीबन 80 से अधिक दलित लोगों के घरों को जलाया गया है, जिसके बाद से वहां पर मामला गर्म है। हालांकि अलग अलग स्तर पर जांच कमेटियां बन रही है, कई तरह के कार्रवाई भी देखने को मिले, लेकिन एक बड़े घटना को अंजाम दिया गया। अब ऐसे में चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सोच का कतई समर्थन नहीं करता जो सोच जातीयता को बढ़ावा देती है। जो सोच जमात की या बिहारियों की बात ना कर उनको जातियों में लड़ाने की बात करती है। मैं ये मानता हूं कि जो कोई असामाजिक तत्व है वो किसी जाति का नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता। जिसने भी अपराध को अंजाम दिया है उसको कतई आप किसी जाति या किसी धर्म के साथ आप जोड़कर नहीं दे सकते। इन असामाजिक तत्वों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। और जो भी व्यक्ति इस घृणित, इस अशोभनीय, इस निंदनीय घटना में लिप्त है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। पर हाँ, ये भी उतना ही सही है कि ये जांच का विषय है। मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसके लिए जांच को लेकर कमेटी का गठन किया है। मुझे लगता है दोषारोपण किसी पर भी करने से पहले या इसको जातीय रंग देने से पहले या जातीयता के आधार पर एक दूसरे को भिड़ाने से पहले मुझे लगता है हम लोग को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो कोई भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ही मेरा प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा है, हमारी पार्टी की सांसद कल वहां पर तत्काल वहां पर गई, हमारी समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी जी वहां पर गई, आज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं वहीं पर मौजूद है और एक बार वो भी अपनी रिपोर्ट हम तक पहुंचाए, घटना की पूरी जानकारी, सही जानकारी एक बार हम लोग के पास आए। उसके बाद आने वाले दिनों में जिस दिन हमारा पटना का कार्यक्रम होगा हम भी वहां पर जाएंगे। थैंक यू। तो सुना आपने किस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है हमारी पार्टी के जो अलग अलग डेलीगेट्स है वो घटनास्थल पर जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो वहां के पीड़ित है उनसे बातचीत कर रहे हैं और असल घटना क्या है इसकी रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनकी पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी भी घटनास्थल पे गई थी और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि शांभवी की रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम आगे के दौरे पे वहां पर जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर समझने वाला चीज है कि कभी किसी दलित बस्ती के साथ कुछ होता है तो चिराग पासवान वहां दिल्ली से लौट कर स्पेशली वहां जाने के लिए बिहार आते हैं, लेकिन इस बार जब नवादा में इस तरह की घटना घटित हुई है तो चिराग पासवान आराम से अपनी पार्टी के कार्य से बिहार आ रहे हैं और जब बिहार भी आ रहे हैं तो इसमें उनका बयान थोड़ा सुनिए किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमारे डेलीगेट्स हमको पहले रिपोर्ट देंगे तब हम वहां पर जाएंगे। तो एक चीज यहां समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो आरोप लगा वहां की घटना पे, जो आरोपी सबसे पहले बना वो किसी पासवान जाति से ही नंदलाल पासवान के नाम से जो अभियुक्त है वो पकड़ा गया था। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं वहां जाने से हिचक तो नहीं रहे? आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए साथ। धन्यवाद।